हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कश्या आप लोग, उम्मीद कर लो कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूं पूनम नेगी, उत्तराखंड की जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और आज हम सब पूरा परिवार जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे नेगी जी, हेलो। हेलो, ये रही मम्मी पापा। चलो, निकू नहीं है, बस निकू नहीं है। हाँ, तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताओ? जलाल गांव। ये नैनीताल रोड पर पड़ता है, मम्मी का मायका है। वैसे तो मम्मी का मायका यही है कोटाबाग में, लेकिन पहले का जो था, पहले ये वही था ना मम्मी? हाँ, पैतृक गांव, वहाँ मंदिर, वही पैतृक गांव है, वहाँ पे ही वही मंदिर है। मेन मंदिर जो है वो जलाल गांव में ही है। आ जाओ बच्चे, इष्ट देवता का जो मंदिर है मम्मी के मायका वाला, वो वही है। तो हम सब लोग आज जा रहे हैं। वैसे तो हमने सोचा था हम शादी के बाद ही चले जाएं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। नेगी जी को इतनी कम छुट्टियां मिलती थी तो मौका नहीं मिल पाया, तो आज मौका मिला है तो आज हम सब लोग जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, पापा गाड़ी स्टार्ट करने लग गए हैं। फोन किसका? तेरा, मेरे पास। और आप सभी लोग के इतने ढेर सारे कमेंट आए हैं, सबने बहुत सारी बधाइयां दी, इतनी बेस्ट विशेस दी हैं, तो आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। नेगी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी के लिए। हाँ, तो आप लोग का ना कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन सबके कमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट पढ़ के। आप सब लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, इतने अच्छे अच्छे विशेस थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों की वजह से, सबके बड़ों के आशीर्वाद की वजह से, सब लोग के प्यार की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। लेकिन क्या करें, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि हो ही ऐसा रहा है, देखो जब से नेगी जी आए हैं तब से हम लोग इतना ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे हम आपका रिप्लाई करेंगे। और हमने सोचा है कि एक दिन लाइव आएंगे हम लोग, तो हम लोग आपको पहले ही बता देंगे हम कब लाइव आएंगे। जैसे एक दिन पहले या कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी कि हम लोग कब लाइव आ रहे हैं, तो आप लोगों से वहीं पर ही बात हो पाएगी। कमेंट कैसे तो रिप्लाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए फिर आज की इस यात्रा को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बोलो कोट कालिका मैया की जय। शुभी का चाचू का कॉल आ रखा है, तो शुभी अपने चाचू से बात कर रही है। चाचू हम आपको मिस कर रहे हैं, आप नहीं आए। बोलो, खाना खा लिया? हाँ, मैंने तो खा लिया। बोलो तो शुभी के खाने के लिए केले और पानी, दूध सब कुछ लेके गए हैं, क्योंकि हम तो क्या है रह लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन शुभी छोटी है ना, तो उसके लिए पूरा देखना पड़ता है। निकल गया घूमने का, सर घूम रहे हैं। और ये देखो चुपू चुपू, मम्मा को खाओ, देख रही हो नहीं ना मिली दुल्हन मस्त पड़े हो। खराब हो चुकी है, देखिए। और छुपू उठ गई, यहाँ पे क्रिकेट खेलने देखे बच्चे, छुट्टी पड़ गई ना, छुट्टी में गर्मियों की छुट्टियों का एंजॉयमेंट ले रहे। और छुपू छुपू
शुभू भी हमारी उठ गई है, खेल रही है। मम्मी के साथ एक ही रेस बैठी है, एक ही रेस यार प्यार की वहां पापा चला रहा है। हां अरे मां था, हां ये की गार्ड और मैंने संभाला हुआ पूरा। क्या करी मम्मी? मैं तो डाल के घर रहती हूं, तो 15 लगा लूंगा। तो फाइनली पहुंच गया मंदिर, ये वाले मंदिर जाना है हमने, जलाल गांव का मंदिर है। मम्मी लोग का गोलजू थान इष्ट देवी देवताओं का जो मंदिर है वो यही है। तो चलो फिर चलते हैं, चलो पापा पहले चले गए हैं। यहाँ पर ना चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ी है, बीच में मंदिर है, और हमारे मेरे पीछे साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल भी है ना चुपू, स्कूल भी यहाँ पर। तो नेगी जी और पापा ने गोलू देवता के मंदिर में पूजा कर ली है, और अब हम जा रहे हैं मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए। ये देखो मम्मी पापा चले गए, अब हम लोग जाते हैं। चलो यहाँ और अच्छी हवा आ रही है, यहाँ और अच्छी हवा आ रही है। तो मम्मी और पूनम पूजा करने के लिए जा रहे हैं देवी मंदिर के अंदर, पिछौड़ा पहन रहे हैं। मम्मी उसमें वो रखा हुआ है, रख दी तूने? शुभी दादू के साथ खेल लेंगे। जय जय करो, जय 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 जय। जो चीज है गिनने को उससे नहीं खेलेगी, मैं बता दूं खा दिया वो मेरे को खट्टा खट्टा है। तूने मीठा खा लिया ना, तूने मेरा भी स्वाद खराब कर दिया। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा हो चुकी है हम लोगों की, अब हम लोग जा रहे हैं आगे को। तो मम्मी पापा चले गए आगे शुभी को लेकर के, नेगी जी जूते पहन रहे हैं। तो आप क्यों बैठ गए, आप खड़े हो जाते? अब यार पति बैठे हैं और बीवी खड़ी है, अच्छा नहीं लगता ना। वाँ वाँ वाँ। मैं थक गई यार, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। मैंने कल रात भी खाना नहीं खाया था और फिर मंदिर आना है इसलिए हमने सुबह भी कुछ खाना नहीं खाया। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, कितना हो गया देखो तो अपने, उसमें 12 तो बज ही गया होगा यार। हाँ
साढ़े बारह हो चुका है, 12:25 बारह अट्ठाईस हो रहा है। हाँ तो बस चलो चलते हैं, अभी हमने जाना है अम्मा के घर पे। हाँ मतलब पापा की मौसी के घर पे जाना है। तो चलो फिर, आज ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ना ज़्यादा धूप आ रही है और ना ज़्यादा ठंड वाला मौसम है, अच्छा हो रहा है मौसम। चलो मम्मी और पूनम जा रहे हैं, चलो भी पापा के साथ। अच्छा उनको ये घास वाला कितनी हवा चल रही है, तो अभी बहुत तेज हवा चलने लग गई यहाँ पर, बहुत तेज, और हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। चलो फिर चलते हैं। तो अभी पहुंच गए हम अपनी गाड़ी के पास, और यहाँ पर ना पास में एक स्कूल भी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जलाल गांव, ये देखो स्कूल छोटा है, ऐसा लग रहा है शायद 5 तक का होगा ये। हाँ तो चलिए फिर चलते हैं अभी। तो पूनम जी बहुत खिला रही है केला, ले ले ले, देर मत करो, देर मत करो, बस खिला दो मुझे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बजून के मंदिर, तो चलो चलते हैं। ये रहे पापा, नेगी जी, मम्मी, और शुभी सो चुकी है गाड़ी में ही, यहाँ तो बंदर भी दिख रहे हैं बहुत। चलो तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पे, बजून में है ये मंदिर। मंदिर में ताला लगा हुआ है, मैं और नेगी जी जा रहे हैं यहाँ आसपास किसी से पता करने की मंदिर की चाबी किसके पास रहती है, क्योंकि बहुत दूर से आए हम लोग, तो मंदिर में पूजा करके ही जाएंगे। यहाँ पर पता है बंदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, आपको दिख रहा है वो पे बैठा हुआ है अपने बच्चे को लेके। टाइम अभी पता है कितना हो गया है, 1:30 बज गया है, और भी खाना पीना नहीं खाया, बस यहाँ पे मंदिर में पूजा हो जाएगी, जिसके नीचे एक आध ढाबे जैसे दिख रहे हैं, फिर वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। ये तो रिजॉर्ट लगता है, यहाँ पे नहीं पता चलेगा ना। तो नीचे दुकान से हम लोग को चाबी मिल गई है, अब चलते हैं ऊपर को। जितनी तेज़ी से हम लोग नीचे को आए ना, अब उतनी ताकत लग रही है ऊपर चढ़ने में, क्योंकि चढ़ाई है थोड़ा सा। हालत हल हो चुकी है, कैसे से बहुत चढ़ाई है, फाइनली पहुंच गया मंदिर में। तो चलिए फिर जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तो ये वाले मंदिर में भी हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, बस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाते हैं, नीचे एक आध ढाबे हैं वहाँ खाना पीना खाएंगे, क्योंकि सुबह से भूखे हैं। 2 बज चुका है, ये रहा शुभी बच्चा, पापा कह रहे हैं लस्सी यहीं पर पीता हूँ, शुभी ने तो केला खा लिया है। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, रोटी दाल सब्जी सब खा लिया है, अब चलते हैं सीधा घर को। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, पता है 3 बजने वाला है। तो शाम के 5:30 बज गया है, और हम लोग पहुंच गए घर पे। सच में आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है,
अब मेरी चाबी चाबी दे दी है, दिखाना जाओ यार चाबी चेंज कर चला। और अब पता है मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कहीं दूर लंबा सफ़र करने की, क्योंकि सच में मेरी उल्टियाँ करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। हाँ तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। ओके बाय 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 बाय। छुबू छुबू क्या सर्च कर रहे हो?